टाटा इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़िया खेल रही है कि हाल ही में जो इन्होंने टाटा नेक्सॉन ईवी का फेसलिफ्ट निकाला है वो मस्त तरीके से मार्केट में तहलका मचा रहा है। पर उससे भी ज्यादा तहलका मचाने के लिए टाटा अपने और 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने वाला है। और ये कोई फेक न्यूज वगैरह नहीं है क्योंकि इनमें से एक गाड़ी के तो स्पाइस और समय ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड दूसरी गाड़ी तो 2023 के ऑटो एक्सपो में भी थी। तो कोई फेक न्यूज आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब नंबर 1 पर आती है टाटा पंच। अब नॉर्मल पंच को लोग इतना प्यार करते हैं कि इस गाड़ी के अगस्त के महीने में कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 14,000 यूनिट्स बिके थे एंड जब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च होगी तो सिस्टम पार्ट देने वाली है। सिस्टम पार्ट देंगे। पंच के बहुत सारे स्पाई शॉट्स मिले हैं जिससे कि एक बात कंफर्म है कि आने वाले टाइम पर टाटा इस गाड़ी को लॉन्च करने वाला है। अब इस फोटो से एक बात तो कंफर्म है, इस गाड़ी में आपको फ्रंट से चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा एंड साथ साथ इस गाड़ी के लुक्स में कोई मेजर चेंजेस तो नहीं रहेंगे। पर इस गाड़ी को थोड़ा बहुत यूनिक दिखाने के लिए टाटा इसके हेडलाइट की प्लेसमेंट को चेंज कर सकता है या फिर इस गाड़ी में आपको एकदम डिफरेंट बम्पर भी मिल सकता है। अब जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनमें इंजन तो नहीं होता है, दूसरी चलते इन गाड़ियों में आपको कोई बड़ी ग्रिल की जरूरत नहीं होती है, तो उसी के चलते पंच ईवी में भी आपको जस्ट लाइक नेक्सॉन ईवी वाली ग्रिल मिल सकती है जो कि एकदम से बंद है। अब टाटा के मुताबिक पंच ईवी को टिगर ईवी एंड नेक्सॉन ईवी के बीच में उतारा जाएगा। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये गाड़ी आपको 12 से 14 लाख के बीच में मिल जाएगी। अब इस गाड़ी में आपको टाटा की जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जिसमें आपको बढ़िया रेंज मिलती है। साथ साथ इस गाड़ी में आपको सेम टिगर ईवी के इंजन स्पेक्स मिल सकते हैं जिसमें आपको 26 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो निकालती है 73 bhp एंड 170 nm टॉर्क। अब इस गाड़ी की जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो है 315 किलोमीटर, पर रियल लाइफ में इस गाड़ी की रेंज 200-250 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेड है जो कि मिल जाए तो बढ़िया बात है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये गाड़ी 2023 के एंड में लॉन्च होने वाली है, तो तब तक के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लॉन्च होने के बाद हम इस पर फिर से वीडियो बनाएंगे एकदम डिटेल वाला। तो जो नेक्स्ट गाड़ी है वो है टाटा हैरियर या फिर टाटा सफारी ईवी जो कि दोनों एक ही है। एंड अगेन मैं यहाँ पर कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये गाड़ी 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस की थी जिसमें आपको इस गाड़ी में एकदम डिफरेंट लुक मिलते हैं। अब नॉर्मल हैरियर में आपको एकदम बढ़िया सी ग्रिल मिलती है क्योंकि आपको इसमें उतना बड़ा इंजन भी मिलता है, पर जबकि हैरियर ईवी में आपको एक मोटर मिलता है तो उसको उतनी बड़ी ग्रिल की जरूरत नहीं है एंड उसके चलते इस हैरियर ईवी की लुक्स एकदम चेंज हो जाती है। साथ साथ इस गाड़ी में आपको कनेक्टेड DRLs भी मिलती है जो आपको न्यू नेक्सॉन ईवी में भी मिल जाती है एंड टाटा के आने वाले और भी ईवी व्हीकल्स में वो एक्सपेक्टेड है। इस गाड़ी के रियर में आपको वही OG हैरियर वाला लुक मिलता है पर जिसमें आपको टेल लाइट थोड़ी बहुत डिफरेंट मिल जाएगी। अब जो ऑटो एक्सपो में हैरियर ईवी दिखाई थी उसमें सेम नॉर्मल हैरियर का इंटीरियर था, पर नो डाउट ये इंटीरियर चेंज होने वाला है जब ये गाड़ी लॉन्च होगी। इसके इंटीरियर में आपको डिफरेंट अपडेट मिल सकते हैं जिनमें से 2-spoke स्टीयरिंग व्हील एंड एक इल्यूमिनेटिंग लोगो तो कंफर्म है। तो अपकमिंग वीडियोस में हम इस गाड़ी का पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमें और भी कार्स का रिव्यू करना है, तो सभी कार्स का मैं डिटेल रिव्यू करूंगा तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा एंड आप लोगों के लिए बोरिंग बन जाएगा जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब हैरियर ईवी में आपको 60-70 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी एंड साथ साथ इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी एक्सपेक्टेड है जो कि इस गाड़ी को एकदम बढ़िया इलेक्ट्रिक ऑफरोडिंग व्हीकल बना सकती है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये गाड़ी 2024 तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट गाड़ी है वो है टाटा कर्व। अब इस गाड़ी में आपको एकदम बढ़िया एंड कूल लुक मिलते हैं। अब इस गाड़ी में भी आपको फ्रंट से कनेक्टिंग DRLs मिलती है, जहां पर ये DRLs एंड अप होती है वहां पर आपको एकदम डिफरेंट सा एलिमेंट मिलता है जो कि आपको नेक्सॉन ईवी में भी मिलता है। और इस गाड़ी की सबसे मेन चीज जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो है इसके अलॉय व्हील्स रोम रोम भाइयों जो कि कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट टाइप लगते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही बढ़िया दिख रहे हैं जो कि लॉन्च वाले टाइम पर इस गाड़ी में रहेंगे तो बढ़िया बात है एंड नहीं रहेंगे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि कई बार कार ब्रांड्स अपने कॉन्सेप्ट कार में ऐसी चीजें दिखाती हैं जो लॉन्च वाले टाइम पर उसमें होती ही नहीं है। तो लॉन्च वाले टाइम पर आपको ये अलॉय अपनी गाड़ी में मिल गई तो बढ़िया बात है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। साथ साथ इस गाड़ी में आपको नेक्सॉन ईवी का X1 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो सेफ्टी की भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब टाटा इस गाड़ी को नेक्सॉन ईवी एंड हैरियर ईवी के बीच में लॉन्च कर सकता है जिसमें तो पहले वो इस गाड़ी के ईवी वेरिएंट को लॉन्च करेगा एंड उसके बाद लॉन्च करेगा इसके ICE वेरिएंट को। अब इस गाड़ी के ईवी वेरिएंट में आपको क्लेम्ड माइलेज मिलेगी वो है 450-500 किलोमीटर की जो कि रियल लाइफ में 300 निकाल दे तो बढ़िया बात है एंड इसी के ICE वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का TGDI इंजन मिल जाएगा जो निकालेगा 123 bhp एंड 225 nm टॉर्क एंड इसी के हायर वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का TGDI इंजन मिल जाएगा जो निकालेगा 167 bhp एंड 280 nm टॉर्क। अब जो हमारे नेक्स्ट कार है वो है टाटा की अवन्या, तो देखकर ही पता चल जाता है कि ये एक कॉन्सेप्ट कार है। ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च हो सकती है, इसमें आपको एकदम काफी फ्यूचरिस्टिक से लुक्स मिलते हैं एंड एक इल्यूमिनेटिंग ग्रिल भी मिलती है एंड साथ साथ रनिंग DRLs भी मिलती है जिससे की गाड़ी फ्रंट से काफी कूल लग रही है। एंड अगेन इसके अलावा इस पर मुझे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, पर एटलास्ट टाटा तो टाटा है, कुछ भी कर सकती है क्योंकि इन्होंने इस गाड़ी में कुछ हटके करने की सोची है जिसमें इन्होंने इसके ORVMs को हटाकर एक कैमरा फिट कर दिया है जिसकी फुटेज आपको कैबिन में मिल जाएगी। अब रिसेंटली यही सेम कॉन्सेप्ट हमने थार ई में भी देखा था जिसकी आपको पूरी वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो क्योंकि इस वीडियो की सबसे तगड़ी वाली गाड़ी लास्ट में बची है। अब टाटा अवन्या में आपको 2-spoke स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड AC वेंट्स एंड डिस्प्ले भी मिल जाएगी और फिलहाल
फिलहाल तो इस गाड़ी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी की लॉन्चिंग डेट है 2025 की। तो 2024 में हम फिर से मिलेंगे इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करने के लिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जो लास्ट गाड़ी है, सबसे तगड़ी गाड़ी है, वो है टाटा की सियारा ईवी। अब जो पुराने वाली टाटा सियारा थी उसमें आपको 3-डोर डिजाइन मिलता था, और जो नई वाली टाटा सियारा ईवी है उसमें आपको 4 दरवाजे मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपको इन्फिनिटी DRS मिल जाएंगी एंड उसके ठीक नीचे आपको हेडलैम्प भी मिल जाएगी। साथ साथ इस गाड़ी में आपको काफी बोल्ड एंड एग्रेसिव लुक मिल जाएगा। साइड से आपको इस गाड़ी में एकदम बड़ी सी विंडो मिल जाएगी जिसका टॉप पार्ट एकदम ब्लैक आउट सा होगा, जो कि आपको एकदम ओल्ड सियारा वाली फील देगा। इस गाड़ी के रियर में भी आपको इन्फिनिटी टेल लाइट्स मिल जाएगी विद रियर स्पॉइलर। अब इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो है 500 to 600 किलोमीटर। इस गाड़ी में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये गाड़ी 2025 तक लॉन्च हो जाएगी। तो जो आज हमने टाटा की 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखी है वो कोई फेक न्यूज वगैरह नहीं है। इसमें से टाटा बची भी तो इस साल के लास्ट में या फिर 2024 में लॉन्च हो जाएगी। तो ये थी 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनको टाटा फ्यूचर में लॉन्च करने की सोच रहा है। तो आपकी इनके ऊपर क्या राय है वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इसी तरह के बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।